नमस्कार, आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजनी सूर्यवंशी। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका मुद्दा है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप अपना नाम बताएं और क्या आपको यहां पर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है या इस स्नो फेस्टिवल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा नाम बरकत अली है, ये जतनून दाहरा है। ये ज़माना कदीम से मशहूर दाहरा है और यहाँ आगे भी मेला लगता रहा। 1947 से देकर यहाँ जंगल होता रहा, दंगल, बड़े बड़े पहलवान आते रहे यहाँ, तो जिसके अंदर रुस्तम डोडा कुश्ती करते थे। तो वो कुछ हालात बिगड़ने के बाद वो मेला यहाँ से अब नहीं लगता है। तो अब मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मार्च के महीने में यहाँ मेला लगा और लोगों को काफ़ी दिलचस्पी मिली। और मैं गुजारिश करता हूं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी ये लगता रहे, यहां टूरिस्ट आए। और मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया के ज़रिए हमारी ये बात कहीं मंजिल पे पहुंचे। और जो हमारा मेला दंगल का लगता रहा था तो वो 22 सावन को लगता था, तो आज वो कैंसिल हो गया। और मैं ये गुजारिश भी करता हूँ कि वो दंगल वाला मेला भी यहाँ लगना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए। और ज़्यादा मीडिया से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दो इलाके से जुड़ी दाहर है, यहाँ से चराला रेंज है और यहाँ से बसरोता रेंज है। तो मेरी गुजारिश इतनी रहेगी कि वज़ीरे मीडिया यहाँ से रोड यहाँ अमृतगढ़ में आनी चाहिए और जिसकी वजह से हमारा ये टूरिस्ट जो है ये बढ़ जाएगा। और दूसरी रोड जो है वो टूरिज्म के अंदर आई है, कारा टू जाई। तो मैं गुजारिश करता हूँ मैडम जी आपसे कि इसको कहीं मंजिल पे पहुँचाएँ हमारी बात को मीडिया के ज़रिए। आज जो भी काम हो रहा है वो मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। तो इसके आगे फिर आप देखते हैं कि यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं जो इस बर्फबारी के अंदर, इस सर्दी के अंदर राय बहादुर डोडा के इस्तकबाल के लिए और उनके साथ आए हुए अफिसरान बाला के इस्तकबाल के लिए, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बूढ़े सब आपने पाए यहाँ। और ये हुस्न अला अखलाकी लोग हैं, लिहाजा गुजारिश यही है कि ये इलाका चराला और इलाका बसनोता मिलना चाहिए रोड की वजह से, और चाय टुकारा रोड भी होनी चाहिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए जिन्होंने अपनी कुछ बातें रखी कि क्या कुछ वो चाहते हैं, यहाँ पर क्या कुछ रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और भी कुछ उनके जो परेशानियाँ थी वो उन्होंने हमारे साथ साझा की। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।